स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि के पाठक सर जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनसे रिलेटेड कल एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में अभी पेपर में दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, जानते हैं डिटेल से। के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, सरकार ने दी सहमति। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। श्री पाठक के आवेदन पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार शाम इस पर अपनी रजामंदी दी। माना जा रहा है कि जल्द श्री पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे तथा सरकार विभाग में नए प्रधान की तैनाती करेगी। श्री पाठक ने जून 2023 में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके पूर्व उत्पाद व मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव रहे। शिक्षा विभाग में हालिया अपने कई निर्णयों से वे चर्चा में हैं, खासकर CM द्वारा विद्यालयों के संचालन अवधि को लेकर की गई घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही थी। यह मामला दोनों सदनों में उठाया जा रहा था। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि श्री के पाठक सर जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, जिसको लेकर के आवेदन उन्होंने दिया था राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बिहार के, उन्होंने गुरुवार शाम इसकी रजामंदी उनको दे दी है। और माना जा रहा है कि जल्द ही श्री पाठक सर जो हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जाएंगे। और जैसा कि हमें पता है कि श्री पाठक सर ने बहुत सारा निर्णय लिया, जिसमें से हालिया जो विवादित वाला जो डिसीजन था वो ये था स्कूल टाइमिंग को लेके, जबकि 20 में नीतीश कुमार जी, एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी सर, इन्होंने साफ बोल दिया था टाइमिंग को लेकर के। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग से कोई लेटर नहीं निकल रहा था ऑफिशियल, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। तो देखने वाली बात होगी आगे और क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे इस चैनल पर ज़रूर देखने सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।